बड़ी खबर में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने की प्रेस वार्ता। 7,000 से अधिक मेहमानों को भेजा गया निमंत्रण पत्र। मीडिया के मालिकों सहित खेल जगत व अन्य संभ्रांत लोगों को भेजा गया निमंत्रण पत्र। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 11 बजे तक आ जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर। सोशल मीडिया की भी एक टीम अयोध्या में और एक दिल्ली में डेवलप की गई, जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों को आवश्यकता के अनुसार देशव्यापी करेगी। दिल्ली से दिसंबर में 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 और 29 दिसंबर। 26 दिसंबर को प्रिंट मीडिया सत्ताईस दिसंबर को चैनल 28 दिसंबर को सोशल मीडिया और 29 दिसंबर को इंटरनेशनल मीडिया को निवेदन किया गया है कि वो अयोध्या पधारे। दिल्ली में जो टीम डेवलप हुई है उन्होंने ये काम किया है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ही सभी बातें समय समय पर आपके सामने आ गई हैं। तीन स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कार्शोपुरम में 3 के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1,000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर भी किन का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 850 लोगों का निवास होगा। अयोध्या में और अयोध्या छावनी पुराना फैजाबाद लगभग मंदिरों में, मठों में, परिवारों में, धर्मशालाओं में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 600 कमरे खोज लिए गए। लोगों ने बड़ी कमरे हमको समाज ने उपलब्ध कराए हैं। शायद इन कमरों की संख्या बढ़कर 1,000 हो जाए। आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को भोजन मिल जाए। आप सब लोग अयोध्या के जानकार हैं, लगभग 30 से भी अधिक स्थानों पर भंडारे, जिसे पंजाब की भाषा में लंगर कहते हैं, साधुओं की भाषा में अन्न क्षेत्र भी कहते हैं, वो चलेंगे। सभी कोनों में होंगे, अर्थात गोलाघाट की दिशा में भी होंगे, अशर्फी भवन की दिशा में होंगे, बाईपास रोड पर होंगे, कोई दिशा छोड़ेंगे नहीं। कोई भी आने वाला श्रद्धालु दिन में 2 बार 4 बार जब इच्छा हो किसी भी भोजनालय में लाइन में लगकर अपनी क्षुधा शांत कर सकेगा। इसी प्रकार चाय, सर्दियां होंगी, अभी हमने 4 स्थानों पर चाय का विचार किया है। लगभग 2,000 शौचालयों की रचना हुई है। सारा शहर दुर्गंध मुक्त होना चाहिए, मक्खी और मच्छर से मुक्त होना चाहिए। इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। मणिपर्वत के निकट बाघ बिजेसी में
लगभग 3,500 से भी अधिक संतों के निवास की व्यवस्था रखी गई है। 22 जनवरी को आने वाले सभी संत बाग विजेसी के मैदान में मणि पर्वत के बगल निवास करेंगे। वहां का लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स सबको भेजा जाएगा। ये 6 रसोई घर बनेंगे, मेडिकल फैसिलिटी होगी। बाग विजेसी में 10 बेड का एक हॉस्पिटल काम करेगा। संपूर्ण भारत से इंग्लिश मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयों से MBBS डॉक्टर्स लगभग 150 की संख्या में उन्होंने अपने को ऑफर किया है। वो 4 दिन 8 दिन के लिए अयोध्या आएंगे बाई रोटेशन। तो सुरक्षा की सावधानता और अलाव का मतलब शीत से रक्षा, दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनेगा, लेकिन अलाव का विचार है। पार्किंग हम ऐसा मानते हैं बाग विजेसी के मैदान में भी लगभग 400 गाड़ियां जरूर पार्क हो सकती है, अर्थात सड़क पर बाहर से आने वाले लोगों की गाड़ियां न दिखाई दें। इसी प्रकार हाईवे के पास भी एक मैदान, वहां भी पार्किंग, कारसेवपुरम में पार्किंग, राम सेवकपुरम में पार्किंग, ये ट्रस्ट की ओर से प्रोविजंस हैं। 22 जनवरी को निवास स्थान से कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए, कार्यक्रम स्थल का मतलब होता है सुग्रीव किला अथवा बिरला धर्मशाला। हमने अयोध्या फैजाबाद के विद्यालयों से निवेदन किया 25 सीटर 40 सीटर 30 सीटर बसेस मिल जाएं, छोटी बस कहीं भी मोड़ी जा सकती हो। लगभग 100 बसों की अनुमति विद्यालयों के मालिकों ने, प्रबंधकों ने प्रदान की है। बैटरी रिक्शा और कार्ट जैसे हवाई अड्डे पर होती है, इसकी भी खोजबीन हो रही है, और शायद हम सभी जिम्मेदारियों को 15 जनवरी तक पूरा कर सकेंगे। 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं, एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 16 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। काशी के गणेश्वर शास्त्री शायद कई पीढ़ियों से वहीं रहते हैं, रहने वाले तमिलनाडु के हैं 3-4-5 पीढ़ी के पहले, महाराष्ट्र में उनका कार्यक्षेत्र रहा है। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और लक्ष्मीकांत दीक्षित ये कर्मकांड के सिरमौर हैं। ये लोग प्राण प्रतिष्ठा के पूजन विधि इसको संपन्न कराएंगे, उनकी लीडरशिप रहेगी। पूजा में एक ब्रह्मा रहता है, तो एक तरह से ये ब्रह्मा हूँ। 16 जनवरी से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और 22 जनवरी को
प्राण प्रतिष्ठा का समय दोपहर 12:00 पर है, तो दोपहर 12:00 के पश्चात कार्यक्रम पूरा होगा। 23 जनवरी से 48 दिन की पूजा और होगी। 48 दिन की इस पूजा को मंडल पूजा कहा गया है। अब उत्तर भारत में हम सब इसको नहीं जानते, लेकिन अनेक उत्तर भारत के अयोध्या के विद्वान संत उसे जानते हैं, मंडल पूजा। ये मंडल पूजा 48 दिन होगी, 23 जनवरी से तो मार्च तक होगी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे भी कुछ लोगों के नाम लिखे गए, आपको पता लगा होगा, देवगौड़ा साहब से मिलने के लिए 3 लोग गए। हमारे नृपेंद्र मिश्रा जी ने स्वीकृति दी है, मैं जाऊंगा दिल्ली में रहते हुए। आयु अधिक है, निर्माण कार्य भी देखना होता है, जितना तालमेल बनेगा, टाइम फैक्टर। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट, और संघ की ओर से रामलाल जी और कृष्ण गोपाल जी, इन दोनों में से जो भी दिल्ली में अवेलेबल, ऐसे 3 लोगों की टोली वहां जाएगी। लार्सन टुब्रो के जो बहुत सबसे शिखर पुरुष है, नायक, उनको निवेदन किया गया है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी चंद्रशेखरन, उनको व्यक्तिगत मिला गया है। लार्सन टुब्रो के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सुब्रमण्यम, उनको बम्बई में व्यक्तिगत भेंट हुई है। अंबानी और अडानी जी को व्यक्तिगत मिला गया है। तमिलनाडु के रजनीकांत जी को भी मिला गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद, इनको निवेदन गया है। पद्म भूषण द्रोणाचार्य अवार्डी गुरदास मान सिंगर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, रामायण में, रामायण के सीरियल में जिन्होंने राम का एक्टिंग किया, अरुण गोविल, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी, फिल्म सेंसर बोर्ड में है आजकल, ट्राइबल समाज के ओलंपियन है कविता राउत, आइडियल विलेज, उसके पद्मश्री अवार्डी हैं पोपटराव पवार, देश के बड़े जाने माने चित्रकार हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने हमारा अर्थक्वेक अध्ययन किया, उनके उस समय के डायरेक्टर वर्तमान डायरेक्टर को बुलाया गया है। सूर्य तिलक, रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर को 12:00 भगवान के ललाट को प्रकाशित करेंगी, इस पर जिसका होमवर्क हुआ है, CBRI का साइंटिस्ट देवी दत्ता, अंतरिक्ष विज्ञानी के साथ मिलकर इन्होंने रुड़की में एक्सपेरिमेंट किए। पद्मश्री अवार्डी दीपिका कुमारी, महाभारत में जो कृष्ण बने, नीतीश भारद्वाज,